हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइल्डिकाइन पी सिरप के बारे में, जो कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सिरप होती है। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि इस काइल्डिकाइन पी सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज छोटे बच्चों को किस प्रकार से दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और मार्केट में इसका प्राइस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर छोटे बच्चों को मिट्टी क्यों अच्छी लगने लगती है। एक्चुअली दोस्तों, जब छोटे बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में उन्हें मिट्टी बहुत ही प्यारी लगने लगती है। मिट्टी जो है खाना वो पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक होते हैं, जिस कारण जो है मिट्टी खाना पसंद हो जाता है छोटे बच्चों को। लेकिन दोस्तों, मिट्टी में उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। अगर बच्चा रेगुलरली मिट्टी खा रहा है तो उसको जो है एब्डोमेन में पेन होने लगता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और नोजिया, वोमिटिंग, बच्चा जो है दुबला पतला सा होने लगता है अगर मिट्टी रेगुलर खाने लगता है तो गाइज, ऐसी कंडीशन में छोटे बच्चों को कैल्शियम की सिरप देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे यूजर्स होते हैं कैल्शियम सिरप के, जैसे कि यदि छोटे बच्चों का सही से विकास नहीं हो पा रहा है, बच्चों की थोड़ा लंबाई नहीं आ पा रही है, या फिर यूं कहें कि उनको दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम काइल्डिकाइन पी सिरप का यूज करवा सकते हैं। यदि छोटा बच्चा दुबला पतला है, कमज़ोर है और उसकी हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम काइल्डिकाइन पी सिरप का यूज करवा सकते हैं। यानी दोस्तों, काइल्डिकाइन पी जो सिरप होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें कैल्शियम तो होता ही है, साथ में इसमें विटामिन डी होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बच्चे के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, काइल्डिकाइन पी सिरप जो है यह मैंगो फ्लेवर में होता है, जिसे बच्चे जो है आसानी से यूज़ में ले भी लेते हैं, अच्छे से पी भी लेते हैं, क्योंकि इसका स्वाद मैंगो जैसा होता है, इसलिए बच्चे इसे बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इस सिरप के डोज के बारे में, तो यदि बच्चा 3 साल के आसपास है तो उस कंडीशन में 3.5 ml जो है सुबह शाम बच्चे को दिया जाता है। यदि बच्चा 5 साल का है तो उस कंडीशन में हम 5 ml सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इससे छोटा बच्चा है तो एक बार जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर से इसका डोज पूछ सकते हो, क्योंकि इसका डोज जो है बच्चे के बॉडी वेट पर भी निर्भर करता है। सो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।